फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसन और आलू की सब्जी बनाएंगे। आप अगर सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो कभी ये वाला भी सब्जी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ एक कप बेसन ली हूँ। पहले हम इसका एक पीठा टाइप का बना लेंगे। तो इसमें स्वाद अनुसार हम नमक मिला देंगे, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची पाउडर, एक छोटा सा ओनियन काट के डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और ये धनिया पत्ती। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ एक पिंच जैसे खाने वाला सोडा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो गाढ़ा बैटर बनाएंगे। इसी तरह से बनाएंगे। पकौड़ा से हल्का पतला होगा ये। तब एक पैन गरम कर लेते हैं। मैं हाफ कप पानी ही इसमें यूज की हूँ। तो फ्रेंड्स, पैन हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम 2 टीस्पून जैसे तेल डाल देंगे। अब जो हम बैटर बनाए थे इसको इसमें डाल देंगे। ऐसे फैला देंगे। अब इसको ढक के लो से मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो ये हमारा पीठा जो है ये एक तरफ से हो गया है, ऊपर से भी आधा आधा हो गया है। देखिए, इसको हम पलटा देंगे। अब इसको दूसरा तरफ से भी 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पीठा बन गया है। अब इसको हम काट लेंगे। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। तब इसको हम साइड पे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम कर ली हूँ। आलू और बेसन की सब्जी है तो यहाँ मैं एक आलू को बॉईल कर दी थी, इसको डाइस करके काट ली। इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू हमारा फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। तो इसी में मैं और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दी हूँ। इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, अगर आपके पास बड़ी वाली इलायची है तो उसको एक थोड़ा डालिए। इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो ये हमारा ऑनियन भून गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कच्चा स्मेल जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून गया है। यहाँ मैं 2 टमाटर को प्यूरी कर दी हूँ, इसको डाल देंगे। इसके साथ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। टमाटर को आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे तेल छोड़ने तक फ्राई करते हैं। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर। इसमें हम बेसन का पीसेस और जो आलू फ्राई करके रखे थे इसको डाल देंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। बेसन बहुत सॉफ्ट है तो ये नहीं तो टूट जाएगा। यहाँ मैं 1 कप से थोड़ा ज्यादा पानी डाली हूँ।
अब इसको हम ढक के एक मिनट के लिए पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया है, इसमें बस हरा धनिया। तो गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा आलू और बेसन की मजेदार रसेदार सब्जी बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय।